नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। बाल संप्रेषण बंदी गृह से बच्चों के भागने की घटना के बाद कलेक्टर मनोज पुष्पा, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर SP ने परिसर का भ्रमण कर कार्यालय की बाउंड्री को ऊंची करवाने, उसमें फेंसिंग लगवाने और CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही SP ने कार्यालय परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। उन्होंने कमरों में लगे खिड़कियों को मजबूत करवाने के आदेश दिए ताकि आसानी से कोई नुकसान न पहुंचा सके। कलेक्टर ने घटना की पुनरावृत्ति रोकने के कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। SP ने कहा कि कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध करा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि शहर के बाल संप्रेषण बंदी गृह से खिड़की तोड़कर 5 बाल अपचारी बच्चों के फरार होने की बात हड़कंप मच गया था। हालांकि पुलिस की सक्रियता के चलते सोमवार सुबह सुहागी के पोखर में पुलिस को देखकर नदी में छलांग लगाने वाले बच्चों को पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर पुनः बाल संप्रेषण गृह पहुंचा दिया है। बताया जाता है कि फरार होने वाले बच्चों में से एक बाल अपचारी बालिग हो चुका है और उसे सिवनी बाल सुधार गृह ले जाने के लिए गार्ड पहुंचे थे। जब से उसे सिवनी शिफ्ट करने का आदेश हुआ था तभी से भागने की तैयारी कर ली थी। उसने प्लानिंग में 4 अन्य बच्चों को शामिल किया और सभी को लेकर बाल सुधार गृह से फरार हो गया और दिल्ली जाने की तैयारी में था। आइए देखते हैं दोनों अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान क्या निर्देश दिया है। अभी तो आप रुकना, आप 1.5 घंटे थोड़ा सा एक बार ब्रेक नहीं, क्योंकि बार बार की हो रही तो उस बिल्डिंग संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया गया, क्या देखने को मिला? यहाँ पे कुछ सुविधाओं की इजाफा करने की ज़रूरत है, तो आज हमारी पूरी टीम ने इसका निरीक्षण किया है और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसमें हम लोग बढ़ा रहे हैं। सर, पूर्व में भी यहाँ से बच्चे भाग चुके हैं, क्या इसके पीछे? इस तरह की घटनाएं हुई थी और उन बच्चों को पकड़ भी लिया गया है और इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसी घटना फिर से।